ब्यावर जिला प्रभारी मंत्री ने रविवार को ब्यावर पहुंचकर कलेक्टर सभागार में जिले के समस्त अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की ओर से हाल ही में की गई बजट घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बजट घोषणाओं को तत्परता के साथ लागू करने एवं आमजन को उसका लाभ मिले इसके लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। प्रभारी मंत्री खर्रा ने बैठक में गृह विभाग राजस्थान की शासन सचिव रश्मि गुप्ता, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के साथ बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं पर विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार कार्य योजना एवं कार्य प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक बजट से जुड़ी घोषणाओं के तहत भूमि का चिन्हीकरण, प्रस्ताव आवंटन इत्यादि प्रक्रिया पूरी करें। सितंबर माह के अंत तक बजट घोषणा के धरातल पर प्रभारी रूप से क्रियान्विति करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर को समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, सभापति नरेश कनौजिया, एडीएम एल के बालोत, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, एएसपी हिमांशु, उपखंड अधिकारी गौरव बुड़ानिया, जिला परिषद के एसीओ गोपाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम सहित जिले के समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।